बात चाहे शिक्षा की हो या पर्यावरण सुरक्षा की, बात युवाओं के भविष्य की हो या फिर चिकित्सा की, सामाजिक सरोकार के लिए सदैव समर्पित संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना बहरोड, सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव, साफ नियत नेक इरादे। होटल सुख सागर NH 48 नियर दहमी बहरोड, तमाम सुविधाओं से युक्त शुद्ध शाकाहारी भोजन, अनोखा स्वाद आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल लोनी घी के पराठे। आप भी चले आइए अपने परिवार के साथ होटल सुख सागर, जहां बेहतरीन क्वालिटी का खाना उपलब्ध है। इतना ही नहीं, प्योर वेजिटेरियन के साथ होम डिलीवरी की भी सुविधा। संपर्क करें 9991985212। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क बदलते वक्त का। इन मैं हूं देशराज यादव। वक्त हो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। बहरोड की अनाज मंडी में चोर गिरोह लगातार सक्रिय है। यहां पिछले एक महीने से लगातार अनाज से भरे हुए कट्टों की चोरी की जा रही थी, लेकिन आज दिन दहाड़े अज्ञात चोरों ने मंडी के अंदर घुसकर अग्रवाल ट्रेडिंग कंपनी फार्म दुकान में ताला तोड़कर 5,50,000 रुपए की नकदी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। घटना के समय व्यापारी राम रहन अग्रवाल अनाज मंडी के अंदर खुली बोरी लगाकर सरसों खरीद करने गया था। जब वापस आकर देखा तो गल्ले का ताला टूटा हुआ मिला, चेकबुक और अन्य सामान बाहर निकले हुए दिखाई दिए, जिसकी सूचना उन्होंने आसपास के व्यापारियों को दी और दुकान में चोरी होने की वारदात की जानकारी दी। इस पर सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं थाना अधिकारी वीरेंद्र पाल सिंह व DSP राव आनंद भी मौके पर पहुंचे। यह घटना की जानकारी ली गई। पुलिस ने CCTV कैमरे खंगाले और अनाज मंडी में आए दिन हो रही चोरी की वारदातों से व्यापारियों में भय बना हुआ है। अनाज मंडी व्यापारी मनीष अग्रवाल, रमेश सैनी, नरेश अग्रवाल, दिनेश गुप्ता, ओम प्रकाश यादव, बिरधिचंद, कुलदीप यादव, मुन्नालाल सीताराम, महावर वीरेंद्र यादव, जगमाल सिंह ने बताया कि अनाज मंडी में पिछले एक महीने से गेहूं, चना, सरसों के कट्टों की दिन दहाड़े चोरी हो रही है। CCTV कैमरे में वारदात कैद होने के बावजूद भी चोर गिरोह पकड़ में नहीं आ रही। ऐसे में अनाज मंडी के व्यापारियों को आर्थिक नुकसान होने के साथ साथ मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। अनाज मंडी समिति के द्वारा मंडी परिसर में लाखों रुपए की लागत से सुरक्षा CCTV कैमरे लगाए गए थे, लेकिन पिछले करीब एक महीने से खराब पड़े हुए हैं। अनाज मंडी प्रभारी राकेश यादव ने बताया कि CCTV कैमरे ठीक करवाने के लिए पत्र भेजा गया था, लेकिन अभी तक ठीक नहीं करवाए गए। ऐसे में लाखों रुपए की लागत के लगे हुए 22 कैमरे अनुपयोगी साबित हो रहे हैं। क्या पूरा मामला सर? पूरा मामला ये था जी, हमारे 5 बजे तक हमारा गल्ला सही था, 5:45 बजे तक मैं नारूल था, छुट्टी था, घर रह गया। बाबूजी अकेले थे, वो कोई सरसों सौदा करने के लिए इधर गए थे। इतने में 5:15 बजे इनका फ़ोन आया कि मैंने सरसों ऐसे ऐसे ही भाव में बेच दिया। मैं बोला ठीक है जी। 5:30 बजे इन्होंने कोई मैनेजर रिटायर था, बोला जी मैं वहाँ जाता हूँ, और ये यहाँ पे दुकान पे आए शर्ट लेने के लिए। तो इतने में 5:30 बजे गल्ला टूटा था, मेरे पास फ़ोन आया कि भाई तुरंत आ जा, गल्ला टूट गया, उसमें पेमेंट थी 5,57,000। ये बात है, हुआ इस दौरान ना तो हमारे को कोई आता हुआ दिखा जी ना जाता, बस ये था जी किसी को पता था कि सामने वाला ये मैं युवराज हूँ जी, मैं आया नहीं हूँ, और लाला जी आ जा किलर वो गए हुए। इतने में ये इंसिडेंट हो गया 15-20 मिनट आते घंटे। सर्वांगीण विकास, सार्थक प्रयास, सपने आपके साकार हम करेंगे। DVS पब्लिक सेकेंडरी स्कूल खिड़की रोड सबलपुरा मोहला बहरू, जहां पर बेहतरीन शिक्षा पद्धति से आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। मेडिकल टीम एवं सेमिनार के द्वारा विद्यार्थियों में जागरूकता लाना, हाईटेक कंप्यूटर लैब, खेल खेल में बच्चों का सर्वांगीण विकास, बोर्ड परीक्षाओं का सर्वश्रेष्ठ परिणाम, बच्चों के कॉन्फिडेंट के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता, समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। तो आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं और बच्चों के सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। DVS पब्लिक सेकेंडरी स्कूल। हर माँ बाप दौलत के पीछे भागता है, और सही मायने में उनके बच्चे ही सच्ची दौलत हैं, जिनको सही राह दिखाता है हैप्पी मिलिट्री एकेडमी, जहां आप लोगों के ननिहालों को सैनिक मिलिट्री, जवाहर नवोदय, गुरुकुल, RIMC व सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की प्री फाउंडेशन बैच की बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है। अमित सर मैजिशियन ऑफ मैथ के निर्देशन में 6 सितंबर 2020 को शुरू हुई हैप्पी मिलिट्री एकेडमी आज युवाओं के भविष्य को संवारने में नंबर 1 एकेडमी बनी हुई है, जहां पर बॉय एंड गर्ल हॉस्टल सुविधा सहित तमाम सुविधाओं से युक्त एकेडमी, नारनौल रोड बहरोड,